हेल्थ प्लस प्रोग्राम में तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं डॉक्टर सिमरन डेंटल केयर, ए मल्टी स्पैशलिटी ऑर्थोडोंटिक्स एंड इम्पलांट सेंटर, जो कि शॉप नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट होटल विंटेज, जीरकपुर, जिला मोहाली विखे स्थित है। दंदा के मरीजों लिए यह सेंटर एक वरदान है। साई टीम ने डॉक्टर सिमरन जी ने गलबात की, जो कि वीडीएस डेंटल सर्जन ने। साई टीम ने गलबात करदे डॉक्टर सिमरन जी ने दंदा दी बीमारियां ते उसके निवारण बारे विस्तार नाल जानकारी दी। आओ करदे हां गलबात डॉक्टर सिमरन जी दे नाल। दर्शको पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां सिमरन डेंटल क्लीनिक एंड अतल्या लैब, जिहड़ा कि सेवा दे रहा है जीरकपुर दे विच। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, डेंटल जिहड़ा कि किसी जमाने के उपर बंदा यह सोचता हुंदा सीगा भी जिहदे दंद जिन्ने टुट गए उन्नी उहदी उम्र होगी, मतलब दंदा तो लगता हुंदा सीगा आपां नूं भी इह बुढ़े हो गए भी दंद टुटने शुरू हो गए। लेकिन अज दा जिहड़ा सिनेरियो आ जिहदे विच 90 साल दे लोग आ उहनां नूं भी तुसीं इम्पलांट करके एक नवीं जिंदगी दे रहे हो, की कहना चाहोगे कि उस समय दी डेंटिस्ट्री और अज दा जिहड़ा हैगा बड़ा फर्क है उस च? बिल्कुल सर, फर्क बहुत है, क्योंकि पहले जमाने लोगों नूं अवेयरनेस घट हुंदी सीगी। लोग ये सोचते सीगे दंद का हल सिर्फ कढ़ना ही है, पर अज दे जमाने आप दंदा की सफाई करके, दंदा की रूट कैनाल करके दंदा नूं बचा लैंदे आ। इस करके दंदा की जिहड़ी केयर आ उह बहुत जरूरी है। एंड सर, रूट कनाल की है? अगे तो असं ये करते कि असी कच्ची जाड़ पहले भरा ली, फिर उस तो बाद कच्ची जाड़ तो बाद पक्की जाड़ भराते सके। दो तीन बारी साढ़े गेड़े लग जाते जो कि दंद जाड़ दर्द हों की। कहना चाहोगे कि रूट कनाल कि है जी तुम लैके आए हो जिदे पेशेंट्स में जोड़ा है सिटिंग भी घट गई और एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है चीज़? बिल्कुल सर, प्रोसीजर यही होंगे जिमें तुसी पहला किया कि आप कच्ची फिलिंग करते हैं फिर पक्की फिलिंग करते हैं। एक अपना टेस्ट हो जाता है कि दंदा की जी जड़ा ने उस नसा जड़िया ने हले जिंदा ने कि उन्होंने इन्फेक्शन हो चुकी है। जे इन्फेक्शन हो जाती है तो आप रूट कैनाल करते हैं, नहीं तो फिर आप फिलिंग नाल ही दंद बचा लें। रूट कैनाल के आप जड़ा की सफाई करते हैं, सफाई करने लिए जोड़े कैमिकल्स मैडिसिन यूज होंगे वो सारा प्रोसीजर जोड़ा रूट कैनाल की लाइफ रूट कैनाल हों जिद दंद की जी लाइफ है वह बच जाती है। डॉक्टर साहब, जे आप स्टरलाइजेशन की गल करिए पहले दिन तो इस हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा तरजीह दिती है, की कहना चाहोगे कि लोग जोड़े है इस चीज़ तो कई बार नीम लोगों को ले चले जाते हैं जिन्होंने कोल डिग्रीज़ नहीं है, जिहड़े लोग संदां नूं अपने इंस्ट्रूमेंट्स नूं जिहड़ा हैगा वो ज़्यादा क्लीन नहीं करते और उहदे नाल हैपेटाइटिस बी सी और होर नामराद बीमारियां दे शिकार होकर आ जाते? बिल्कुल सर, जिहड़े भी इंस्ट्रूमेंट्स ओरल कैविटी दे विच यूज़ हुंदे आ उहनां नूं हर टाइम वॉश ऑटोक्लेव होना बहुत जरूरी आ। असी तो अजकल सील्ड पाउच दे विच पैक करके पेशेंट के सामने ही इंस्ट्रूमेंट्स खोलते हैं ताकि उन्होंने बिल्कुल तसली रवे। उन्होंने चैक कराया जाता है कि आह मार्क चेंज हो गया है सील के उपर, यदा मतलब यह है कि यह पाउच के जोड़े इंस्ट्रूमेंट्स निकल रहे हैं वह सारे ऑटोक्लेव ने। डॉक्टर, इस क्लीनिक दे विच तुसी की सेवावां जिहड़ियां दे रहे हो और फरदर जिदा तुसी होर डॉक्टर की टीम जी बहुत जल्दी जोड़ा है इतने नाल और नाल इंस्टॉल कर रहे हो, की कहना चाहोगे? सर, डॉक्टर सिमरन डेंटल केयर के दंदा की हर तरीके की प्रॉब्लम का हल किया जाता है। दंद को बचाने की कोशिश की जाती है, सब तो पहला आखिरी ऑप्शन रखते हैं आप जो दंद कढ़ना हो। इस तो इलावा निकले हुए दंदा लगाया भी जाता है, स्माइल डिजाइनिंग प्रोसीजर होती है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है जिदे नाल छोटे बच्चे या वड्डे भी तारा लगवा के अपने टेढ़े मेढ़े दंद उच्चे दंदा ठीक करा सकते हैं। यह सारा प्रोसीजर जोड़ा है पेशेंट नूं कॉन्फिडेंस दिंदा है, इस करके साडे क्लिनिक दा टाइटल है कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स विद स्माइल। एंड सो एज़ फार एज़ योर तारां दी जिद्दां तुसीं गल कीती आ उहदे नाल नाल हुण तुसीं बहुत वधिया जिहड़े प्रोसीजर्स होर भी लैंदे, क्योंकि तारां 'च भी कई वारी बच्चे नूं लगदा हुंदा कि मैं प्रैशर च आ, मेरा वो चिट्टा चिट्टा जिहा अच्छा नहीं लगता हैगा, उहदे लई वी तुसीं नवीं नवीं जिहड़ियां चीज़ां लैतियां और कई जिहड़े हैगा इह विजिबल भी नहीं हुंदा। बिल्कुल सर, इत्थे ऑर्थोडोंटिक दा मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट इनविजिलाइन भी ऑफर किया जाता है पेशेंट नू, काफ़ी पेशेंट्स करवा भी चुके ने मेरे तो। इहदे विच की हुंदा है आपां स्कैन करते हैं जिदे विच कोई नाप नहीं होया दंदा दा, दंदा दे अगे पिछे उपर नीचे सारे हिस्सों का नाप एक डिजिटल स्कैनिंग मशीन नाल हो जाता है, तो आपां पेशेंट नू एक इनविजिबल प्लेट बना के दे दिंदे हैं जो उन्हें हर 15 दिनों बाद आप ही बदलनी हुंदी है, ते डेंटिस्ट कोल आन दी भी उन्हां नूं लोड़ नहीं हुंदी ते दंद उन्हां दे बिल्कुल ठीक हो जांदे ने, सिद्धे सही ते ब्यूटीफुल स्माइल बन जांदी है। इस दे नाल नाल तुसीं अपने हॉस्पिटल दे विच मॉडर्न एक्सरेज और होर जिहड़ियां चीज़ां हैगियां
वह भी इंस्टॉल की हुई कि एक बड़ी कंफर्टेबल थोड़े को चेयरस है, कंफर्टेबल जोन हैगा, ए सी जोन है। की कहना चाहोगे कि पेशेंट न जो पेशेंट आ जाता एक बार क्लीनिक दे तो बड़ा एक फैमिली एटमोसफेयर जरा जिदा होंगे उदा दी फीलिंग रही। जी सर बिल्कुल, कोशिश साड़ी यही है कि बेस्ट तो बेस्ट ट्रीटमेंट दिता जाए। असं अपने क्लीनिक नू हाई टेक इंस्टॉलेशन दिती हुई है, साडे कोल RVG दी फैसिलिटी है, सेंसर्ड चेयर है जिदे विच टचिंग मिनिमल हुंदी है आउट ऑफ दी ओरल कैविटी ते जिद जो पेशेंट नू बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड हुंदी है। एंड सब जिस तरीके दे नाल तुसी अगे तो लोग जाते होंगे सी ब्यूटी पार्लरस को जो मैरिज का टाइम होंदा सीगा और अजकल वो डेंटिस्ट को जान लग गए और उधर ही तुसी काफ़ी एक्सपर्ट हो, उधर पर की कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, जिद्दा कि आप कहीदा कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स विद स्माइल। व्याह वाले दिन भी हर कुड़ी नू हर मुंडे नू ये हुंदा कि मैं बहुत सोहना दिखना है ते वो अपने दंदा की सफाई करवाते हैं, टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर हुंदा है, बहुत फेमस है डेंटल ज्वेलरी, मेरे भी लगी हुई है शायद तुहानू दिखती होवे। ये एक न्यू ट्रेंड है और जरूरी है क्योंकि पेशेंट ना कहिए हर बंदे नू सोहना दिखण दा पूरा हक है। डेंटल तुसी दस्सियो सानू डेंटल क्या? अच्छा डेंटल ज्वेलरी, नीचे ज्वेलरी जेड़ा लगे है? हां जी, इट्स अ डेंटल स्टोन। डसा की कहना चाहोगे कि इस हॉस्पिटल दे विच अगर आप बच्चों तो ला लीए छोटे बच्चों के जो थम्सिंग करते हैं उन्होंने भी तो को ट्रीटमेंट है, उस तो बड़े बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी बुढ़ापे वाले लोगों के लिए भी की कहना चाहोगे? प्लांटेशन तक जो है दंदा की जी इम्प्लांट है उतों तक सारे प्रोसीजर तुम इतने अपलाई कर दो? बिल्कुल सर, प्रोसीजर सारे होंगे ने छोटे बच्चों तो लैके, ईवन एक रिकमेंडेशन है सारे व्यूअर्स न कि तुम जे अपने बच्चे ने उन्होंने बर्थ तो फर्स्ट टूथ आन दे नाल ही क्लीनिंग शुरू कर दो। जे बच्चा ब्रश नहीं करता तो अपनी फिंगर नाल कॉटन लेके उन्होंने फिंगर ब्रश आते हैं उहदे नाल क्लीनिंग कर सकते हो, कॉटन नाल क्लीनिंग कर सकते हो। तो बाकी आप कह सकते हैं अपने कोल हर एज के ग्रुप वास्ते ट्रीटमेंट अवेलेबल ने, हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल। डॉक्टर जिस तरीके दे नाल तुसी अपने इस प्रोफेशन दे विच काफ़ी लंबे समय तो हो और ये नाल नाल तुहाडा एक्सपीरियंस बड़ा लंबा हैगा, की कहना चाहोगे कि एक्सपीरियंस भी काउंट करता है? जिस तरीके नाल तुसी रूट कनाल की आप गल की, रूट कनाल का तुहाडा हाथ बड़ा साफ हैगा, जे आप गल करिए टेढ़े मेढ़े दंदा की उहदे लई तुसी बहुत बेस्ट तरीके दे नाल लोगों नू जिंदगी दे रहे हो। स्माइलिंग की गल कर लीए या किसी दिन कोई प्रॉब्लम होगी जवाड़ा टुट गया उतों तक भी तुसी मतलब जिहड़ा हैगा नाल सेवा करो? बिल्कुल सर, हर तरीके की सेवा दी जाती है। मेरा एक्सपीरियंस आज की डेट 7+ ईयर्स का हैगा, तो हर तरीके एक हर पेशेंट दे विच नवा ट्रीटमेंट देखने को मिलता है जिन्हां नू आपां नू अपनी प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल्स दे नाल मॉडिफाई करके बेस्ट देना हुंदा है। अपने कोले ओरल सर्जरी का हर तरीके का प्रबंध हैगा है, फ्रैक्चर्ड केसिस भी करे जाते हैं इत्थे। एंड सब जिस तरीके दे नाल अज दा जिहड़ा मॉडर्न सिनेरियो है जिहदे विच असीं जंक फूड्स और अभाव है सानू एक्सरसाइज का, की कहना चाहोगे? कई दंदा वाले डॉक्टर अज सकैटरी के डॉक्टर बने हुए हैं, वो कहते सकैटरी भी दंदा के नाल अटैच है, कई गैस्ट्रो दे बने हुए हैं, वो कहते दंदा के नाल गैस्ट्रो की भी प्रॉब्लम जी है, और ये जड़ा साडा फेस मूँह है जड़ा कि साडा एक स्टार्टिंग पॉइंट है जी तो असी अपने ढिड नू अपने सारे अंगा नू जड़ा हैगा जिंदगी देनी हैगी, खाण ने सानू ताकत देनी है। की कहना चाहोगे कि डेंटल दे विच तुहाडे कोले इस जिहड़ी सिस्टम नू एक बहुत वधिया रूप देण दे लई हर तरह के प्रोसीजर है? बिल्कुल सर, हर तरीके का प्रोसीजर हैगा अपने क्लीनिक ते, ते ए गल भी सच्ची है कि इंसान हर चीज़ तो बिना सार सकता है, बट दंदा तो बिना वो कुछ नहीं कर सकता। बंदा बिना पैसों तो भी सार लूगा पर रोटी खाए बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता, तो रोटी खाने लिए अपन दंद चाहिए ने, इस करके दंदा की केयर करनी, संभाल करनी, रेगुलर ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। और जिदा डॉक्टर साहब जंक फूड्स की आप गल की, जंक फूड जो खाते बच्चे आप अनवाइडेबल है, अवॉइड भी नहीं कर सकते, हम आइसक्रीम का सीजन आ गया, आइसक्रीम भी बच्चे खाने, की कहना चाहोगे कि खाओ पियो चाहे जिन्ना मर्जी मतलब जो भी खाना, लेकिन उदू बाद अपने मुँह न अपने दंदा नू सफाई का ध्यान? बिल्कुल सर, देखो पहला डाइट अपनी हार्ड होंदी सी, सैल्फ क्लिनजिंग हो जाती सी जिदे नाल दंदा दी, पर हुण सॉफ्ट डाइट करके दंदा दे विच खाना ज़्यादा फसदा है। पेशेंट आके कहंदे ने कि असी 2 टाइम ब्रश करदे आ फिर भी कीड़ा लग गया, इहदा कारण इह है कि उन्होंने माइनर प्रॉब्लम्स नू टाइम से ठीक नहीं कराया। दंदा दी दिक्कत वधन तो बाद उहदा खर्चा भी वध जांदा, इस करके हर 6 महीने बाद या साल बाद डेंटल चैकअप जरूर कराओ। एंड असर ब्रशिंग का जिदा अजकल लोग ब्रश करन दे कि 5-5, 7-7 मिनट ला देंगे है, की कहना चाहोगे कि ब्रश की टेक्नीक ही साड़ी बेस्ट होनी चाहिए हैगी और किन्ने वारी सानू ब्रश करना चाहिए?
सर बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर हैगा ब्रश करन दा सर्कुलर मोशंस दे विच। हर एज ग्रुप दे पेशेंट नू गोल गोल दंदा दे उपर ब्रश नू घुमा के ब्रश करना चाहिदा है। इस तो इलावा दंदा नू बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिदा क्योंकि जिवें एक रस्सी पत्थर नू कट दिंदी है ब्रश भी अपने दंदा नू कटदा है, दंदा दी बीमारियां होर लगदियां ने। 3 मिनट बिल्कुल हल्के हाथ नाल सॉफ्ट ब्रश यूज करके ब्रशिंग 2 टाइम मैंडेटरी है। ਅੰਡਰ ਸਵਾਈ ਡੋਟ 2 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੋ ਬਾਰੇ? ਸਰ 2 ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 12 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ 11 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 11:30 ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੁਲਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਘਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਔਰਗਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਵੇ ਤਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹਾਈਟੈਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਕੈਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਾ ਆਪਕਾ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਕੈਸੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਔਰ ਕੈਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਕਾ? मैं सर यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पर होर्डिंग देखी थी, बाहर अतुल्य की होर्डिंग लगी थी, तो साथ ही डॉक्टर सिमरन जी का भी था, तो मैंने यहाँ कॉल किया तो कॉल पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, मैम से बात करके अच्छा लगा, तो मैं मदर के दांतों के लिए यहाँ पर आया हुआ था चंडीगढ़, तो उसी के लिए सिलसिले में उनसे बात हुई, तो फिर मैं यहाँ पर आया, डॉक्टर साहब से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनसे मिल के फिर मम्मी का जो ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू करवाया है। आप कौन से कंट्री से हैं? मैं हिमाचल से आया हूँ सर, हिमाचल से, हिमाचल से आया हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं सर अपना बिजनेस करता हूँ वहाँ पर। लगते रहे आप कोई सिंगर या कोई? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं वहाँ पर अपना बिजनेस करता हूँ, मैं हिमाचल में रहता हूँ, किन्नौर में, किन्नौर से आया सर।